Hi, this is Rekin. Welcome back to Reki Bhadov Vlogs again. ये तो ये आज अपने सामने खड़ी है पांडा और पांडा का मैं भाई दो दिन से ना सीएनजी का सिलेंडर दे रखा था सर्विसिंग के लिए, पीरागढ़ी दिया था, यहाँ से ही रोहन की कार में सीएनजी लग के गई थी। तो भाई ये जेन्युइन सीएनजी लगाते हैं, कंपनी वाला काम करते हैं बिल्कुल। अगर आपको आगे लगवानी आगे भी लग जाते हैं और पीछे लगवाने पीछे भी लग जाते हैं, बस वो है अगर आप पीछे लगवाते तो 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, और वही है अगर आप आगे लगाओगे तो 2000 कम में बात बन जाएगी और फायदे भी हो जाएंगे आगे लगने के। तो हमारी तो पहले से ही ऑलरेडी आगे लगी हुई है। और एक और चीज़ भाई, अपनी पांडा में ना कंपनी फिटेड तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन कंपनी से ही लगाई हुई है, प्लांट से जो आती है वो तो नहीं है, वो नेचुरल एस्पिरेटेड कह लो एक तरह से, लेकिन वो नहीं है, ये कंपनी से ही लगी हुई आई है। तो ये रहा अपना सिलेंडर। और भैया ने एक और चीज़ बताई सिलेंडर के बारे में कि जब टेस्टिंग के लिए जाता है ना, अगर मान लो आपका सिलेंडर ख़राब होता है कि ये टेस्ट में फेल हो जाता है, तो ये सिलेंडर आपको वापस तक नहीं देते। ये सिलेंडर फेल हो गया तो हो गया, वो अपने पास ही रखते हैं हमेशा के लिए, ताकि बंदा आगे यूज़ ना कर सके इसको। एंड अपना इस चीज़ में भाई सिलेंडर पास में हो गया है और अपनी सीएनजी की टेस्टिंग भी हो चुकी है, सर्विसिंग वगैरह उसका सर्टिफिकेट ही आ चुका है। ये रोहन ले रहा है भाई सर्टिफिकेट अपने हाथ में। एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, अब ऐसी कुछ है लगता है कि माइलेज बढ़ सकती है अब कार की इससे, क्योंकि विदाउट सर्विसिंग इसकी माइलेज थी हाईवे पे 120 किलोमीटर, 100 से 120 किलोमीटर बिल्कुल मंदी माइलेज निकाल के चलाने पे, और थोड़ी सी रश कर दी लोकल में चलाने लग गए तो 70 से 90 किलोमीटर। ये था वैसे वजह से कुछ होता नहीं है। अच्छा, लेकिन कई बार हो भी जाता है, कई बार एक दो गाड़ियों के प्लग टोटल बूटी वगैरह ये अगर हमने किससे आ जाएगी कहीं भी नहीं आई है, लेकिन उस दौरान बोला हाइड्रो टेस्ट करा लो आप, दो गाड़ियां ऐसी हुई मतलब जिसमें कि मतलब एवरेज आ गई उन गाड़ियों की। अच्छा, इसलिए उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि आप एक बार हाइड्रो टेस्ट अगर आने वाला तो हाइड्रो टेस्ट एक बार वो भी करवा लो, लगा तो कुछ बढ़िया। हाँ तो चलो चेक कराते, कुछ ना कुछ तो होगी बीमारी। वैसे क्या लगता है सेंटर कितनी देनी चाहिए हाईवे माइलेज? हाईवे में तो ये 200 ऊपर से जाती है, 200 प्लस जाती है, लोकल में भी कम से कम 170 प्लस तो रहनी चाहिए, 150 रहनी चाहिए लोकल में मान लो। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब टेस्ट करा लिए क्या पता थोड़ा बहुत फर्क पड़े, प्लग भी चेंज करा लिए हैं, थ्रोटल बॉडी क्लीन है, प्लग चेंज करा लिया, अब ये टेस्ट भी करा लिया, अब हो सकता है कि बढ़ जाए माइलेज। चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, तो अब हफ्ते 10 दिन के बाद थोड़ा सा लगेगा या 2-3 दिन में ही पता लग जाएगा, तो एक ही बार चेक करने पे है ना। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है अपनी एवरेज अपना सेंटर का। और भाई पीछे से कैसा लुक दे रही है देख लो, ये मफलर कितना तगड़ा लुक दे रहा है, अभी पीछे से पूरी गंदी हो रखी है, दिखाता हूँ कैसी हो रखी है। कार में लग चुकी है सीएनजी फाइनली, तो अभी जा रहे हैं एक बार सीएनजी फुल कराने, भैया ने कहा एक बार आप फुल करा लाओ जब तक चेक नहीं हो जाएगी कि कहीं से लीकेज नहीं है, हमारी तरफ से ओके नहीं है तब तक भेजेंगे नहीं, तो एक बार सीएनजी करवा लाते हैं फुल इसमें। और ये भाई कर रहा है अपना व्लॉग एडिट, चलते हैं सीएनजी भरवाने। देख लो पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है कार का, एंड मफलर ये भाई बहुत तगड़ा लुक बना रहा है, और आई थिंक 700-500 के आसपास चेंज आई है। ये अपना काम करा के निकल चुके हैं पीरागढ़ी से, और कहाँ पे जा रहे भाई अब नरेला, और अपना सी एन जी भरवा के चलते हैं घर पे। भूख कैसी लग रही है, तगड़ी ठीक है। सो भाई फाइनली आ गए पंजाबी बाग, और यहाँ पर आए रोहन के रिलेटिव्स के घर पे किसी काम से। एंड भाई कार कैसी लग रही है अभी इनको दिखाऊंगा, वैसे भी बता कैसी लग रही है, थोड़ी गंदी हो गई बात, अच्छी लग रही है ना। अब आप देखो भाई कैसी लग रही है, ए अब देखो मफलर कैसा लग रहा है, कितना तगड़ा लुक दे रहा है भाई, मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है कार। एंड भाई सेंटर को क्या बना दिया हमने, मतलब कई बार हंसी आती है, रहनी ही सेंटर ही है क्यों रोहन भाई। तो यहाँ से काम कर लेते हैं और मिलते हैं आपको, और या फिर यहाँ पर अगर कुछ दिखाने का होगा तो यहाँ पे भी दिखाता हूँ। रमन तो ये समझाया कर यश इसको, है तेरे को मारता भी कर, क्या कर रहा था तेरे साथ ये फेशियल? अच्छा मन सुन तो, अच्छा सुन बैडमिंटन खेलेगा बैडमिंटन ले भाई, सब कुछ पता है तू कहाँ बहन में जी रहा है तू। यू नेक्स्ट ऑब्वियसली होता है, क्या होता है सही बोल बांध रहा है भाई। अब देख लियो अगर ये गिर गई ना कैंप आ तो मम्मा देख लियो काम आ रही है दीवार में काम दे शुरू आ गया ओ भाई मर जा मैं।
आज अपने खाने में है फ्राइड राइस और मंचूरियन, तो खा लेता हूँ और बताता हूँ कैसे थे। और भाई सुना दे क्या हाल है तेरे, काफ़ी दिन बाद मेरे ब्लॉग्स में दिखा तू, पहले कई दिन पहले आया था ब्लॉग्स में, अब की बार तो बहुत लेट आया है ना। बाकी चल अभी साथ में, कल छोड़ देंगे तेरे को बवाना, आ जा चल ले। कब का है भाई ये पेपर, क्यों रहा लग कहानी रहती है बच्चों साथ, हमारे साथ भी रहती थी भाई। भाई चलते हैं बिकॉज लेट हो गया बहुत ज़्यादा, 6 बज चुके हैं और 6:30 भाई वो बंदा बढ़ा देता जहाँ से अभी हमें मान लेना था, तो फटाफट से निकालता हूँ कार और चलते हैं। सो भाई लोग फाइनली अपन निकल चुके हैं बादली से, बादली पड़ता है ना भाई, ये बादली जाने वाला रास्ता, ये तो बादली अंदर बादली, अच्छा अंदर वाला बादली है भाई इस तरफ बादली, तो हम हैं बादली कोने पे। एंड अब कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई अब जा रहे हैं सिंथोल घर पे। यस मजा आ गया आज दिल्ली ट्रिप में भाई, दिल्ली का ट्रिप बड़ा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, करीब करीब 125 किलोमीटर का होगा। हाँ सही कह रहा भाई, हो गया होगा। और रास्ते में यार मजा भी आया होगा, बारिश बारिश के आनंद वानंद लिए होंगे आज तो, फुल फुल आनंद भाई, बारिश के छत के नीचे। हाँ भाई बाइक वालों का देखो ये हाल होता है भाई, बेशक मेरे को बाइक के ज्यादा पसंद हो, इस मौसम में तो गाड़ी पसंद है। अरुण भाई बिल्कुल, अरे कई बार ना यूं रहता है कि बारिश में बाइक चलाने का मन करता है, मानता है उस टाइम पे ज्यादातर बाइक चलाने का मन करता है, बारिश के टाइम पे भीग के चलाने में ओए होए होए, जो स्पेशली भीग नहीं जाते हैं नहीं, लेकिन अगर किसी काम से जा रहे हो और फिर बारिश आ जाए तो ओए होए क्या चिड़ मचती है, तो क्लेश भी लगता है। एंड करा लिया भाई सीएनजी का काम, और देखते कैसा एक्सपीरियंस रहा है सीएनजी का, ये काम करा के अच्छा रहता है वो भी बताएंगे, गंदा रहता है वो बताएंगे, और पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा क्यों मेरी कार के साथ अभी फ़िलहाल के टाइम पे माइलेज नहीं आ रही, तो सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। भाई फाइनली आ गया दुकान पर, यहाँ पर खड़ी करती है अपनी पांडा, और हाँ भाई हो गया, सूख गया, ये सीमेंट करवाया था जो सूख गया, चलो अच्छी बात है, तो देख लो भाई यहाँ पे करवा दिए दुकान के आगे, काम करवाते हैं इस चीज़ के बारे में बताता जो कल काम होने वाला था, ये सीमेंट करवा दिए चारों तरफ यहाँ पे, जो टूटा फूटा था ठीक हो गया, और कार पार्क के लिए बढ़िया काम हो गया। यहीं पे कर लेता ना कार पार्क इसलिए। एंड और सुना भाई कैसा दिन रहा आज का? बढ़िया। चलो अच्छी बात है, पंखे शंखे चला लिया कर भाई, लाइट वाइट ऑन रात को ठीक है, और अपना गाने चला लिया अगर थोड़ा बनता रहे वाइब से कि हाँ नींद ना आए दुकान पे ठीक है। खाना खा के फाइनली निकल चुका हूँ नाइट वॉक पे, एंड बारिश होने के बाद आज इतना ठंडा मौसम हो रखा है, इतना ठंडा मौसम कि भाई मेरे को टी शर्ट में ठंड लग रही है, मन कर रहा है एक जैकेट पहन लूँ ऊपर से। एंड भाई हवा भी बहुत तेज़ चल रही है जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत तो एयर नॉइज आ ही रही होगी। एंड यहाँ पे आगे घूम रही है भाई अपनी पब्बी, तो आज का मौसम भी इतना डार्क सा नहीं है, थोड़ा अलग ही वाइब्रेंट सा है स्काई आज, पता नहीं कैसे भाई। और तो रोहन ने वहीं पे उतर गया था ढाबे पर अपने, और मैं आ गया था दुकान पर, किस लिए उसके पापा थे नहीं तो उसको बैठना था ढाबे पर, तो इस वजह से रोहन चला गया अपने ढाबे पे। एंड भाई अपना मैं अब माइलेज का पूरा खोल के खुली चिट्ठी देता हूँ अपनी कार के बारे में और सीएनजी के बारे में भी। भाई पहली चीज़ तो अपनी कार है 2013 मॉडल सेंट्रो जिंक, नॉट टॉप मॉडल, टॉप से नीचे ही है, बेस भी नहीं है, बेस से थोड़ी ऊपर है, टॉप से नीचे है, आई थिंक मिडल वेरिएंट है। एंड भाई इस कार में ना ही कुछ फोग लैंप लगे हुए थे, ना ही HID, ना LED, हॉर्न भी TT वाले जो कंपनियां से आते हैं, स्पीकर तक कंपनी से, और जो अपना स्टीरियो है वो भी आज तक कंपनी फिटेड ही है। बंदे ने एक आउटपुट 12 वोल्ट का वो भी नहीं, सॉकेट भी नहीं लगवाया था जिससे कि अपना फ़ोन वो चार्ज कर सके, मतलब कि जैसी आई थी कार वो वैसी चलाई है उसने। काम कराया तो एक ये काम कराया बस कि CNG लगवाना ऊपर से, एंड आई थिंक ये आ गया लक्की, हाँ तो लक्की ही है। तो बंदे ने यूँ सोच के देखो कि उस बंदे ने कुछ काम नहीं कराया कार में, जैसी कंपनी से आई ना वैसी रखी थी, कैसे भाग के गई है, जैसी कंपनी से आई थी वैसी रखी है। हाँ तो हो सकता है ये किसी बड़े आदमी की थी, ये किसी बुजुर्ग की थी, या फिर किसी ऐसे बंदे की जो अपना स्टाफ वगैरह से काम करता हो, या पुलिस वगैरह वाला हो, या कुछ भी हो। तो बंदे ने ना भाई
सीएनजी भी ऐसी जगह से लगवाए कि उससे बार बार धक्के ना खाने पड़े। एक मिनट में अपना हैंड स्ट्रैप कर लूँ क्योंकि दर्द हो रहा है इसमें। तो बंदे ने सीएनजी भी कंपनी फिटेड लगवाई, मतलब कि पेट्रोल पे चलाई उसने। फिर सीएनजी लगती जैसे बाहर से लगवा लग जाती है 35 की 40 की 45 की ऐसे होता है। तो उस बंदे ने भाई यूँ नहीं देखा कि पैसे मैं लगवाऊँ इतने ऊपर ईयर, वो बहुत बढ़िया फिटिंग से बहुत बढ़िया जगह से कंपनी से ही सीएनजी लगवाई जो कि पड़ती है 70,000 के अराउंड। देख लो भाई, मतलब सीएनजी किट कंपनी वाली इतनी महंगी पड़ जाती है। तो ओब्वियस है ये चीज़, अगर आप कंपनी से लगवाओगे तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन संतुष्टि हो जाती है कि हाँ बढ़िया काम हुआ है, कंपनी की लगी हुई कंपनी से ही होती है। तो आने के बाद मैंने जो छेड़छाड़ कराई है मैं नहीं कराई है वो, क्योंकि आज के टाइम पे हमें इन चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है। एंड गाइस, अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमारी कार माइलेज दे क्यों नहीं रही थी। अगर आपकी भी कार माइलेज नहीं दे रही है ना, तो ये तीन चार काम आप भी करो, मेरे साथ सीखो। तो कार में होते प्लग, जैसा कि बाइक में होते हैं। बाइक में दिखा देता हूँ कहाँ होते हैं भाई, मेरी बाइक इसका दिखा देता हूँ। इसका प्लग होता है भाई, कहाँ गया, इस तरफ होता है, ये वाला, ये होता है इसके अंदर जो लगा हुआ ना, ये ऐसे से वेल्व से इंजन के अंदर ये प्लग होते हैं भाई बाइक के। तो ऐसे ही कार में प्लग डलते हैं, चार प्लग डलते हैं सेंटर में। आई थिंक वैगनर स्विफ्ट वगैरह में भी इतने ही डलते होंगे। तो जब तक आप ये प्लग नहीं ठीक करवाते ना, तो इनसे क्या दिक्कत रहती है, एक तो भाई अपना मिसिंग लेती है, कार माइलेज नहीं देती, और भी काफ़ी सारी देती है, स्टार्ट होने में दिक्कत देती है, ये सब चीज़ें प्लग चेंज का ही एक मार्क देती है आपको। तो साइंस होते हैं ये कि आपको प्लग चेंज कराना, तो चलो प्लग हो जाते हैं 500 रुपये के चेंज। एंड उसके अलावा सेकंड चीज़ होती है भाई अपना थ्रोटल बॉडी, आईसी वॉल, ये सब ठीक करवानी है। इन दोनों चीज़ों की सफाई होती है, तो ये सफाई 500-600 रुपये में हो जाती है, ये भी ठीक करा दी। और अगर आपकी माइलेज जब भी नहीं दे रही कार, तो थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन आपके पास यही होता है कि आप अपनी सीएनजी सिलेंडर की सर्विसिंग करवाओ और उसकी सेटिंग करवाओ। तो सर्विसिंग तो हो गई मेरी, मैंने प्लग भी चेंज करवा दिए, अब एक आईसी वॉल का रह रखा है। और सेटिंग की जब जरूरत होती है कि सेटिंग सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, कि ये सारे काम कराने के बाद अगर आपकी कार माइलेज ना दे रही हो तो आपको सेटिंग करानी होती है। तो ये तीन काम करा चुका हूँ मैं, मतलब तीसरा आईसी वॉल का एक रह रखा है, तो ये दो काम करा चुका हूँ। अगर ये दोनों काम में भी अगर मेरी कार माइलेज देगी, तो ये तीसरे और चौथे काम भी कराऊंगा, लेकिन इनकी आई थिंक मेरे को नीड होगी नहीं, क्योंकि मैं करीब 65 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी भी एक ग्रीन डॉट लास्ट की और एक रेड डॉट भी रहती है, ये दोनों डॉट रह रखी है। तो ये निकाल देंगे मेरे ख्याल से 40 के आसपास। तो उसने भी, सीएनजी वाले ने भी यही बोला था कि भैया 400 रुपये में तो आपकी 100 के आसपास चलनी चाहिए, तो देख लेना, अगर इससे कम दे तो 80-100 चलनी चाहिए एवरेज, अगर इनसे कम दे तो आप हमारे पास लेके आओ। तो 65 तो चली गई है, और भी ज़्यादा चली जाएगी, तो मतलब समझो हमारी सीएनजी कार अब माइलेज बढ़िया जाएगी। तो इस व्लॉग को करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल। जय हिंद।